पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 41। कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया जब अक्रूर भगवान के लिए अपनी प्रार्थना कर रहे थे। भगवान पानी से गायब हो गए, ठीक उसी तरह जैसे एक विशेषज्ञ नाटकीय अभिनेता अपनी पोशाक बदलता है और अपनी मूल विशेषता ग्रहण करता है। विष्णु मूर्ति के गायब होने के बाद अक्रीरा पानी से बाहर निकली। अपने बाकी कर्मकांडों को पूरा करते हुए वे बलराम और कृष्ण के रथ के पास गए और आश्चर्य से चकित रह गए। कृष्ण ने पूछा कि क्या उन्होंने पानी के भीतर या अंतरिक्ष में कुछ अद्भुत देखा है। अक्रूर ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, इस दुनिया के भीतर जो अद्भुत चीजें हो रही हैं, चाहे आकाश में या पानी में या जमीन पर, वास्तव में आपके सार्वभौमिक रूप में प्रकट हो रही हैं। सो जब मैंने तुझे देखा है तो कौन सी चीजें मैंने नहीं देखी। यह कथन वैदिक संस्करण की पुष्टि करता है कि जो कृष्ण को जानता है वह सब कुछ जानता है और जिसने कृष्ण को देखा है उसने सब कुछ देखा है, चाहे वह कितनी भी अद्भुत चीज क्यों ना हो। मेरे प्यारे भगवान, अक्रूर ने आगे कहा, आपके दिव्य रूप से अधिक अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपका दिव्य रूप देखा है तो देखने के लिए क्या बचा है। यह कहकर अक्रूर ने तुरंत रथ चलाना शुरू कर दिया और दिन के अंत तक वे मथुरा के परिसर में पहुंच गए। जैसे ही वे वृंदावन से मथुरा की ओर बढ़े, रास्ते में आने वाले सभी राहगीर जिन्होंने कृष्ण और बलराम को देखा, वे उन्हें बार बार देखने से नहीं चुके। इस बीच नंद और उपानंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य निवासी पहले ही जंगल से गुजरते हुए मथुरा पहुंच चुके थे और वे एक बगीचे में कृष्ण और बलराम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर कृष्ण और बलराम रथ से नीचे उतरे और अक्रूर से हाथ मिलाया। कृष्ण ने उन्हें बताया, तुम अब घर जा सकते हो क्योंकि हम बाद में अपने साथियों के साथ मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रीरा ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको छोड़कर अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका समर्पित सेवक हूँ, कृपया मुझसे बचने की कोशिश न करें। कृपया अपने बड़े भाई और चरवाहों के साथ मेरे साथ आओ और मेरे घर को पवित्र करो। मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप आते हैं तो मेरा घर आपके चरण कमलों की धूल से पवित्र हो जाएगा। आपके चरण कमलों अर्थात गंगा के पसीने से निकलने वाला जल पूर्वजों, अग्नि देवता और अन्य सभी देवताओं सहित सभी को शुद्ध करता है। बाली महाराज आपके चरण कमलों को धोकर प्रसिद्ध हो गए हैं और उन्होंने सभी भौतिक ऐश्वर्य का आनंद लिया और बाद में मुक्ति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। गंगा जल न केवल तीनों लोकों को पवित्र करता है बल्कि भगवान शिव के सिर पर ले जाया जाता है। इसी जल से पवित्र हुए भागीरथ के पूर्वजों ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। हे प्रभुओं के सर्वोच्च भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी दिव्य लीलाओं के बारे में सुनकर ही कोई पवित्रता प्राप्त कर सकता है। हे सर्वोच्च नारायण, जिनकी स्तुति चुनिंदा छंदों से की जाती है, मैं आपको नमन करता हूँ। यह सुनकर परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रीरा, मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ आपके घर अवश्य आऊंगा, लेकिन यदुवंश से ईर्ष्या करने वाले सभी राक्षसों को मारने के बाद ही। इस प्रकार मैं अपने सब कुटुंबियों को प्रसन्न करूंगा। भगवान के परम व्यक्तित्व के इन शब्दों से अक्रीरा थोड़ा निराश हो गया, लेकिन वह आदेश की अवहेलना नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को कृष्ण के आगमन की सूचना दी और फिर वे अपने घर में प्रवेश कर गए। अक्रीरा के जाने के बाद भगवान कृष्ण, बलराम और चरवाहे लड़के शहर देखने के लिए मथुरा में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि मथुरा का द्वार प्रथम श्रेणी के संगमरमर से बना था, बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था और दरवाजे शुद्ध सोने से बने थे। चारों ओर भव्य बगीचे और बगीचे थे और पूरे शहर को नहरों से घेर लिया गया था ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से प्रवेश न कर सके। उन्होंने देखा कि सभी चौराहों को सोने से सजाया गया है और अनाज रखने के लिए तांबे और पीतल के भंडार हैं। और वहां बहुत से अमीर आदमियों के घर थे, सभी सम्मिलित दिखाई दे रहे थे, मानो किसी एक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हों। घरों को कीमती गहनों से सजाया गया था और प्रत्येक घर में फलों और फूलों वाले पेड़ों के अच्छे यौगिक थे। घरों के गलियारों और बरामदों को रेशम के कपड़े और गहनों और मोतियों में कढ़ाई के काम से सजाया गया था। बालकनी की खिड़कियों के सामने कबूतर और मोर चल रहे थे और सहवास कर रहे थे। शहर के भीतर सभी अनाज डीलरों की दुकानों को विभिन्न प्रकार के फूलों और मालाओं, नई उगाई गई घास और नार्सिसस और गुलाब जैसे मनभावन फूलों से सजाया गया था। घरों के प्रवेश द्वारों को पानी से भरे पानी के घड़ों से सजाया गया था। दरवाजे के चारों ओर पानी, दही, चंदन का गूदा और फूलों का मिश्रण छिड़का हुआ था, जिसे विभिन्न आकारों के जलते हुए दीयों से भी सजाया गया था। सभी दरवाजों पर ताजे आम के पत्तों और रेशम के उत्सवों की सजावट की गई थी। जब यह खबर फैली कि कृष्ण, बलराम और चरवाहे लड़के मथुरा शहर के भीतर हैं, तो सभी निवासी एकत्र हो गए और महिलाएं और लड़कियां तुरंत उन्हें देखने के लिए घरों की छतों पर चली गईं। वे बड़ी चिंता के साथ कृष्ण और बलराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और कृष्ण और बलराम को देखने की उनकी अत्यधिक उत्सुकता में महिलाओं ने अपने आप को ठीक से तैयार नहीं किया था। उनमें से कुछ ने अपने कपड़े गलत जगह रख दिए, किसी ने केवल एक तरफ अपनी आंखों का अभिषेक किया, तो किसी ने केवल एक पैर में टखने की घंटी पहनी थी या केवल एक बाली पहनी थी।
इस प्रकार बड़ी जल्दबाजी में ठीक से सजाया भी नहीं गया, वे छतों से कृष्ण को देखने गए। उनमें से कुछ अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण और बलराम शहर में हैं, वे अपना खाना छोड़कर छतों पर भाग गए। उनमें से कुछ स्नानागार में स्नान कर रहे थे, लेकिन बिना ठीक से स्नान किए वे कृष्ण और बलराम के दर्शन करने चले गए। कुछ अपने बच्चों को स्तन का दूध पिलाने में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक तरफ रख दिया और कृष्ण और बलराम को देखने चले गए। बहुत धीरे से और मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत उनका दिल चुरा लिया। वह जो भाग्य की देवी का पति है, हाथी की तरह गली से गुजरा। बहुत लंबे समय तक मथुरा की महिलाओं ने कृष्ण और बलराम और उनकी असामान्य विशेषताओं के बारे में सुना था और वे उन्हें देखने के लिए बहुत आकर्षित और उत्सुक थीं। अब जब उन्होंने वास्तव में कृष्ण और बलराम को सड़क पर गुजरते हुए देखा और उन्हें मधुर रूप से मुस्कुराते हुए देखा, तो महिलाओं का आनंद परमानंद तक पहुंच गया। जब उन्होंने वास्तव में उन्हें अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने कृष्ण और बलराम को अपने हृदय में ले लिया और अपनी पूरी इच्छा से उन्हें गले लगाने लगे। उनके शरीर के बाल परमानंद से उठ खड़े हुए। उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था और अब उनकी लालसा दूर हो गई थी। मथुरा के महलों की छतों पर जाने के बाद देवियों, उनके चेहरे हर्षित, कृष्ण और बलराम पर फूलों की वर्षा करने लगे। जब भाई सड़कों से गुजर रहे थे, तो पड़ोस के सभी ब्राह्मण चंदन का पानी और फूल लेकर निकल गए और उनका सम्मानपूर्वक शहर में स्वागत किया। मथुरा के सभी निवासी आपस में वृंदावन के लोगों के श्रेष्ठ और पवित्र कार्यों के बारे में बात करने लगे। मथुरा के निवासी वृंदावन में ग्वालों द्वारा अपने पिछले जन्मों में किए गए धार्मिक कार्यों से आश्चर्यचकित थे, ताकि वे प्रतिदिन कृष्ण और बलराम को चरवाहे लड़कों के रूप में देख सकें। जब कृष्ण और बलराम इस तरह से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक धोबी और कपड़े बनाने वाला है। कृष्ण उनसे कुछ अच्छे कपड़े मांगकर प्रसन्न हुए। उसने यह भी वादा किया कि अगर धोबी उसे सबसे अच्छा रंग का कपड़ा देगा, तो धोबी बहुत खुश होगा और सारा सौभाग्य उसका होगा। कृष्ण एक भिखारी नहीं थे, न ही उन्हें कपड़ों की जरूरत थी, लेकिन इस अनुरोध से उन्होंने संकेत दिया कि हर कोई कृष्ण को जो कुछ भी चाहता है उसे अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत का अर्थ है। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का सेवक था और इसलिए भगवान कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की मांग की सराहना नहीं कर सका। यह खराब संगति का प्रभाव है। वह तुरंत भगवान के परम व्यक्तित्व को वस्त्र वितरित कर सकता था, जिन्होंने उसे सभी अच्छे भाग्य का वादा किया था, लेकिन कंस का सेवक होने के नाते पापी दानव इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सका। प्रसन्न होने के बजाय वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने भगवान के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, यह कैसे है कि आप राजा के लिए वस्त्र मांग रहे हैं? धोबी ने तब कृष्ण और बलराम को निर्देश देना शुरू किया, मेरे प्यारे लड़कों, भविष्य में राजा से संबंधित चीजों के लिए पूछने के लिए इतने निर्दयी मत बनो, अन्यथा आपको सरकारी लोगों द्वारा दंडित किया जाएगा। वे तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और तुम्हें दंड देंगे और तुम कठिनाई में पड़ोगे। मुझे इस तथ्य का व्यवहारिक अनुभव है। जो कोई भी राजा की संपत्ति का अवैध रूप से उपयोग करना चाहता है, उसे बहुत कड़ी सजा दी जाती है। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण धोबी पर बहुत क्रोधित हुए और अपने हाथ के ऊपरी हिस्से से प्रहार कर उन्होंने उस व्यक्ति के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। धोबी मरा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण संहिता के कथन की पुष्टि की कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग वो सब कुछ करने में सक्षम है जो उन्हें पसंद है। बिना तलवार के, लेकिन केवल अपने हाथ से उसने धोबी का सिर काट दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि सर्वोच्च भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर वह कुछ करना चाहता है तो वह बिना किसी बाहरी मदद के कर सकता है। इस भीषण घटना के बाद धोबी के कर्मचारी कपड़े छोड़कर तुरंत तितर बितर हो गए। कृष्ण और बलराम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहने। बाकी कपड़े ग्वाले लड़कों को चढ़ाए जाते थे, जो उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जो उपयोग नहीं किया वह वहीं रह गया। कृष्ण, बलराम और लड़के फिर मुख्य सड़क के साथ आगे बढ़े। इस बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का अवसर लिया और कृष्ण और बलराम के लिए कपड़े से कुछ अच्छे कपड़े तैयार किए। इस प्रकार बहुत अच्छी तरह से तैयार होने के कारण कृष्ण और बलराम पूर्णिमा के दिन या अंधेरे चंद्रमा के दिन रंगीन कपड़े पहने हाथियों की तरह दिखते थे। कृष्ण दर्जी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सर्प मुक्ति का वरदान दिया, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर को छोड़ने के बाद मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ ग्रहों में नारायण के समान चतुर्भुज शरीर प्राप्त करेंगे। कृष्ण ने उसे यह भी अनुमति दी कि जब तक वह जीवित रहेगा वह पर्याप्त ऐश्वर्य अर्जित करेगा ताकि वह इंद्रिय तृप्ति का आनंद ले सके। इस घटना से कृष्ण ने साबित कर दिया कि जो लोग कृष्ण भावनाभावित भक्त हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के भौतिक भोग की कमी नहीं होगी। उनके पास ऐसी चीजों के लिए पर्याप्त अवसर होगा, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद उन्हें वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन के आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अच्छे कपड़े पहनने के बाद कृष्ण और बलराम सुदामा नाम के एक फूल वाले के पास गए। जैसे ही वे उसके घर के परिसर में पहुंचे, फूलवाला तुरंत बाहर आया और बड़ी श्रद्धा के साथ उनके चेहरे पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया।
उन्होंने कृष्ण और बलराम को एक अच्छा आसन दिया और अपने सहायक से फूल, सुपारी और चंदन के गूदे को बाहर लाने के लिए कहा। फूलवाले के स्वागत ने प्रभु को बहुत संतुष्ट किया। फूलवाले ने बहुत नम्रता और विनम्रता से प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे प्रिय भगवान, क्योंकि आप मेरे स्थान पर आए हैं, मुझे लगता है कि मेरे सभी पूर्वज और मेरे सभी पूजनीय वरिष्ठ प्रसन्न और उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। मेरे प्रिय भगवान, आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के सभी कारणों के सर्वोच्च कारण हैं, लेकिन इस सांसारिक ग्रह के निवासियों के लाभ के लिए आप अपने भक्तों को सुरक्षा देने और राक्षसों का सफाया करने के लिए अपने पूर्ण भाग के साथ प्रकट हुए हैं। आप सभी जीवों के मित्र के रूप में समान रूप से प्रवृत्त हैं। तुम परमात्मा हो और तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं करते। फिर भी आप अपने भक्तों को उनकी भक्तिमय गतिविधियों का विशेष फल देकर प्रसन्न होते हैं। मेरे भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपका शाश्वत दास हूं। यदि आप मुझे कुछ करने का आदेश देते हैं तो यह मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। फूलवाला, सुदामा, कृष्ण और बलराम को उनके स्थान पर देखकर अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार अपनी सबसे अच्छी इच्छा के रूप में उन्होंने विभिन्न फूलों की दो उत्तम माला बनाई और उन्हें भगवान को भेंट की। कृष्ण और बलराम उनकी ईमानदारी से की गई सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण ने फूलवाले को अपना अभिवादन और आशीर्वाद दिया, जो वे समर्पित आत्माओं को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब फूलवाले को आशीर्वाद दिया गया तो उसने भगवान से विनती की कि वह भक्ति सेवा में उनका शाश्वत सेवक बना रहे और ऐसी सेवा के द्वारा सब प्राणियों का भला करो। इससे यह स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को केवल भक्ति सेवा में अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे दूसरों के कल्याण के लिए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस उदाहरण का अनुसरण वृंदावन के 6 गोस्वामी ने किया, इसलिए उनके बारे में एक प्रार्थना में कहा गया है, लोकाना हितकारिणो, वैष्णव या भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं है। वे जो भी लाभ भगवान के परम व्यक्तित्व से प्राप्त करते हैं वे आशीर्वाद के रूप में अन्य सभी व्यक्तियों को वितरित करना चाहते हैं। यह सभी मानवीय गतिविधियों में सबसे महान है। फूलवाले से संतुष्ट होकर भगवान कृष्ण ने न केवल उन्हें वह सब कुछ दिया जो वे चाहते थे, बल्कि इसके अलावा उन्होंने उन्हें सभी भौतिक ऐश्वर्य, पारिवारिक समृद्धि, जीवन की लंबी अवधि और भौतिक दुनिया के भीतर उनके दिल की इच्छा के अनुसार सब कुछ प्रदान किया। इस प्रकार कृष्ण के 41वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं।